बच्चों, कल हमने पार्ट दो के शरारती बंदर के प्रश्न उत्तर किए थे। किसके प्रश्न उत्तर? पार्ट दो शरारती बंदर के। आज हम करेंगे पुस्तक अभ्यास। क्या करेंगे? पुस्तक अभ्यास। तो आप अपना पेज नंबर 14 निकालें। पेज नंबर 14, खाली स्थान भरो। फर्स्ट क्या है? खाली स्थान भरो, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अब आप मुझे बताएंगे इसमें क्या आएगा। ठीक है, फोफो बहुत डैश था, वह दिन भर डैश मचाता था। फोफो छोटे पक्षियों को डैश से मारता था। हरी भरी डैश देखकर बंदरों का मन ललचा गया। अब सोचो और बताओ। ठीक है, फर्स्ट है फोफो बहुत, क्या आएगा? देखो चार ऑप्शन दे गए हैं, शरारती, उधम, पंजो, सब्जियां। तो फर्स्ट में क्या आएगा? फोफो बहुत शरारती था। क्या आएगा? शरारती था। फोफो बहुत शरारती था। क्या आएगा? शरारती। ठीक है, फोफो बहुत शरारती था, वह दिन भर डैश मचाता था। क्या आएगा? वह दिन भर, यस, उधम मचाता था। वह दिन भर उधम मचाता था। क्या आएगा? उधम। वह दिन भर उधम मचाता था। फर्स्ट में फोफो बहुत शरारती था, सेकंड में वह दिन भर उधम मचाता था। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, फोफो छोटे पक्षियों को डैश से मारता था। किससे मारता था? पंजों से। किससे मारता था? पंजों से। कैसे मारता था वो छोटे पक्षियों को? पंजों से मारता था। फोफो छोटे पक्षियों को पंजों से मारता था। नेक्स्ट है हरी भरी डैश देखकर बंदरों का मन ललचा गया। क्या देखा था उन्होंने? सब्जियां, यस, हरी भरी सब्जियां देखकर बंदरों का मन ललचा गया। तभी तो वो गए थे ना वहां खेत में सब्जियां खाने, क्योंकि उन्होंने हरी भरी सब्जियां देखी थी। ठीक है, दोबारा करते हैं एक बार। फोफो बहुत डैश था, फोफो बहुत शरारती था, वह दिन भर डैश मचाता था, वह दिन भर उधम मचाता था। फोफो छोटे पक्षियों को डैश से मारता था। किससे मारता था? पंजों से मारता था। नंबर फोर, हरी भरी डैश देखकर बंदरों का मन ललचा गया। हरी भरी सब्जियां देखकर बंदरों का मन ललचा गया। ठीक है, लिख लिया सबने? अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब वाक्य आप बताएंगे मुझे, मैं लिखूंगी नहीं। ठीक है, बस हम डिस्कस करेंगे और सेंटेंस आप बताएंगे। ठीक है, वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग में हमारा पहला वर्ड शब्द है बंदर। ठीक है, क्या है? बंदर। अब दूसरा है बाघ, तीसरा छत्ता, नंबर फोर शरारत, नंबर फाइव डंडा, और नंबर सिक्स खेत। ठीक है, अब आप बताओ क्या सेंटेंस बनेगा। बंदर क्या लिखोगे, क्या बनेगा? अभी मैंने वो खाली स्थान भी भरवाया, बंदर बहुत शरारती था। ठीक है, अब आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पसंद है। बंदर बहुत शरारती था। ठीक है, क्या आएगा? बंदर बहुत शरारती था। अब नेक्स्ट है नंबर सेकंड, बाघ। बाघ, बाघ क्या है? मुझे बाघ में घूमना पसंद है। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, मुझे बाघ में घूमना पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट छत्ता, क्या लिखोगे छत्ता का? मैंने आज मधुमक्खियों का छत्ता देखा। मैंने आज मधुमक्खियों का छत्ता देखा। ठीक है, शरारत, क्या आएगा शरारत का? हमें कभी भी शरारत नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी शरारत नहीं करनी चाहिए। डंडा, डंडा का बताओ? मैंने लकड़ी से डंडा बनाया। मैंने लकड़ी से डंडा बनाया।
खेत, बताओ खेत का क्या होगा? हमने खेत से तोड़कर सब्जियां खाई, हमने खेत से तोड़कर सब्जियां खाई, ठीक है। बंदर, बंदर बहुत शरारती था। बाघ, मुझे बाग में घूमना पसंद है। छत्ता, मैंने आज मधुमक्खियों का छत्ता देखा। शरारत, हमें कभी भी शरारत नहीं करनी चाहिए। डंडा, मैंने लकड़ी से डंडा बनाया। खेत, हमने खेत से तोड़कर सब्जियां खाई। आप, मैंने अब आपको ये बता दिया, हम अपनी मर्जी से बुक में लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा दिए गए चित्रों के नाम लिखो, ठीक है। मैं यहाँ चित्र बना रही हूँ, आप मुझे बताएंगे क्या है। क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों के नाम लिखो। यहाँ मैंने चित्र बना दिए हैं, अब आप बताएंगे ये क्या है। यस, बताओ ये क्या है। यस, वेरी गुड। क्या है ये? टहनी। वेरी गुड। क्या है ये? टहनी, ठीक है। क्या है ये? टहनी। अब ये बताओ जल्दी से फटाफट, पता है आपको? यस, ये क्या है? पेड़। क्या है ये? पेड़, ठीक है। आगे समझ, ये क्या है? टहनी। ये क्या है? पेड़। अब ये बताओ ये क्या है? यस, जल्दी जल्दी। लकड़ी से क्या बनाया अभी हमने वाक्य प्रयोग में? डंडा। वेरी गुड। क्या है ये? डंडा, ठीक है। आगे समझ, टहनी, पेड़, डंडा, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अपनी बुक में लिख लो फटाफट नीचे, टहनी, पेड़, डंडा। अब हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ो समझो लिखो। अभी आपको मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ो समझो लिखो, ये आपको बस समझना है, ये कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ, पढ़ो समझो और लिखो। देखो देखो, आपने बुक में क्या लिखा हुआ है, देखो पंखुड़ी, ये क्या है? एक पंखुड़ी, और उसके बाद क्या हो गया? पंखुड़ियां। ये क्या है? देखो हमारा एक वचन और बहुवचन बता रहे हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन, ठीक है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, क्या होते हैं वो? यस, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन में समझ गए हो गया, एक वचन में हमें एक वस्तु का पता चलता है, ठीक है। जैसे कि ये डस्टर है, ये एक है, ठीक है। और बहुवचन में हमें बहुत सारी वस्तुओं का पता चलता है, जैसे ये हो गई, दो हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन में। और ये एक है तो एक वचन में, ठीक है। आगे समझ में, जो शब्द के जिस रूप से हमें एक वस्तु का पता चलता है उसे हम कहते हैं एक वचन, और शब्द के जिस रूप से हमें बहुत सारी वस्तुओं का पता चलता है उसे हम कहते हैं बहुवचन, ठीक है। आगे समझ, जैसे पंखुड़ी, एक पंखुड़ी है तो उसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? आपको एक वचन से बहुवचन में बदलना है, क्या हो जाएगा? पंखुड़िया, पंखुड़िया। देखो यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाएगा, पंखुड़िया, ठीक है। आगे समझ, पंखुड़िया, पंखुड़ी, पंखुड़िया। अब नेक्स्ट है सब्जी। यस, इसका बताओ क्या हो जाएगा? सब्जियां, इसका हो जाएगा सब्जियां, ठीक है। पंखुड़ी, पंखुड़िया, एक पंखुड़ी, फिर बहुत सारी पंखुड़ी, पंखुड़िया, सब्जी, एक फिर बहुत सारी सब्जियां। उसके बाद डंडा, डंडा, क्या हो जाएगा डंडा का? डंडे, डंडा, डंडे, ठीक है। उसके बाद शरारत, शरारत, शरारते।
उसके बाद शरारत का शरारतें, बहुत सारी शरारतें की हमने, मक्खी एक मक्खी और बहुत सारी मक्खी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, मक्खियां, क्या हो जाएगा, मक्खियां। ठीक है, अब नेक्स्ट है पंजा, एक पंजा और बहुत सारे पंजे हो जाएंगे तो पंजे, क्या हो जाएगा, पंजे। चोट, चोट एक चोट और जब बहुत सारी चोटें लगेंगी तो क्या हो जाएगा, चोटे, चोटे। ठीक है, चोट चोटे। अब पत्ता, पत्ता का क्या हो जाएगा, पत्ते, पत्ते। अब नेक्स्ट है रात, राते, रात का क्या हो जाएगा, राते। ठीक है, एक साथ एक वचन बहुवचन, ये देखो एक वचन को हमने बहुवचन में बदला, एक वचन में एक वस्तु के बारे में बताया जाता है, बहुवचन में बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बताया जाता है। एक वचन बहुवचन, पंखुड़ी पंखुड़ियां, सब्जी सब्जियां, डंडा डंडे, शरारत शरारतें, मक्खी मक्खियां, पंजा पंजे, चोट चोटे, पत्ता पत्ते, रात राते। ठीक है, आ गया समझ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, समान तुक वाले शब्द। आपने फर्स्ट क्लास में राइमिंग वर्ड्स किए हैं ना, तो इसको ही बोलते हैं समान तुक वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 4, समान तुक वाले शब्द, समान तुक वाले शब्द। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, जो बोलने में समान लगते हैं, जिसका जो अंतिम वर्ड होता है वो एक जैसा होता है, समान होता है। पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर करते हैं हम। अंदर, पत्ता, गंजा, ठीक है, उसके बाद है कसर, रेत, उसके बाद अंडा, अंडा, ठीक है, उसके बाद नानी, बात, उसके बाद है नानी, बात, और उसके बाद हरारत। ठीक है, अब राइमिंग वर्ड्स करेंगे हम। ठीक है, समान तुक वाले शब्द, समान तुक वाले शब्द क्या होते हैं, जिनका जो अंतिम वर्ण है वो समान होता है, जो बोलने में समान लगते हैं। अंदर का बताओ क्या हो जाएगा, बंदर, अंदर का बंदर, देखो र अंतिम वर्ण और र अंतिम वर्ण। ठीक है, उसके बाद है पत्ता, पत्ता का क्या हो जाएगा, गत्ता, देखो गत्ता, ता अंतिम वर्ण और इधर ता अंतिम वर्ण। ठीक है, आ गया समझ। जिसका अंतिम वर्ण एक जैसा होता है उसे हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। गंजा, गंजा बताओ, जा, यस, पंजा, वेरी गुड, क्या आएगा, पंजा। देखो पीछे अंतिम वर्ण देखते जाओ, समान है। कसर, असर, असर, ठीक है, आगे समझ। अंदर, बंदर, पत्ता, गट्टा, गंजा, पंजा, कसर, असर, रेत। बताओ तो जिसके पीछे आएगा, यस, खेत, रे खेत। ठीक है, अब नेक्स्ट है अंडा, यस, अभी हमने बनाया भी था चित्र में, डंडा, ठीक है, अंडा, डंडा, नानी, रानी, देखो अंतिम वर्ण देखो, रानानी, रानी, नीनी आ गया पीछे, बात, यस, वेरी गुड, रात, बात, रात। अब लास्ट है हरारत, यस, बंदर क्या करता था, शरारत, क्या हो जाएगा, शरारत, त, त। ठीक है, एक बार दोबारा करते हैं, अंदर, बंदर, पत्ता, गत्ता, गंजा, पंजा, कसर, असर, रे, खेत, अंडा, डंडा,
नानी रानी बात रात हरारत शरारत। ठीक है, हो गई आपकी बुक एक्सरसाइज। अब मैं आपसे मेरे विचार से मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछती हूँ रचनात्मक गतिविधि के, आप मुझे बताएंगे, बस हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, खेत के रखवाले ने जब फोफो के साथियों को डंडे से पीटा तो वे फोफो से क्यों नाराज हो गए थे? बताओ क्यों नाराज हुए थे फोफो से? क्योंकि शरारत किसने की थी? फोफो ने। लेकिन डंडे किसको खाने पड़े? बंदरों को, उसके साथियों को। तो इसलिए फोफो से नाराज हो गए, क्योंकि उसका नतीजा, फोफो की शरारत का नतीजा किसे भुगतना पड़ा? बंदरों को। ठीक है, आ गया समझ? आ गया ना? तो आप ये बताएंगे, ठीक है, क्यों हुए थे नाराज? क्योंकि शरारत किसने की थी? फोफो ने। और डंडे किसे खाने पड़े? बंदरों को। किसे भुगतना पड़ा नतीजा? बंदरों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे शरारते होते ही हैं, ये आपको भी पता है, अभी शरारत करते हो, ठीक है, परंतु क्या बच्चों को ऐसी शरारतें करनी चाहिए जिससे अपना और दूसरों का नुकसान हो? करनी चाहिए हमें ऐसी शरारतें? यस, करनी चाहिए या नहीं? यस, नहीं, हमें ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए कि इससे दूसरों को नुकसान हो। ठीक है, आप करोगे कभी ऐसी शरारतें? नहीं करेंगे, है ना? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब आप ये अपनी मम्मी के साथ बैठकर सब याद कर कराना पुस्तक अभ्यास। ठीक है बेटा, धन्यवाद।